आर गोइंग टू स्टार्ट अवर सेकेंड चैप्टर रोमन न्यूमेरल्स. ठीक है, दिस इज अ सिस्टम टू राइट अ नंबर इन अ सिम्बॉलिक फॉर्म. रोमन न्यूमेरल एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हम हमारे नंबर्स को किसी भी सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, एज वी नो देयर आर 7 बेसिक सिंबल्स टू राइट एनी रोमन न्यूमेरल. हमारे पास में यहाँ पे 7 ऐसे बेसिक सिंबल्स हैं जिसके थ्रू हम रोमन न्यूमेरल्स को बहुत ही इजीली लिख सकते हैं या फिर रीड भी कर सकते हैं. ठीक है, लाइक हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं, यहाँ पर 7 न्यूमेरल्स जो हमारे बेसिक हैं वो दिए गए हैं. हमारे रोमन न्यूमेरल्स में देखें, हम फर्स्ट जो हमारा हिंदू अरेबिक, इट मींस जो नॉर्मल जो नंबर होता है हमारा 1 के लिए, हम लोग किस सिंबल को यूज करते हैं, आई के सिंबल को. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 5 के लिए हम लोग वी के सिंबल को यूज करते हैं, 10 के लिए एक्स के सिंबल को यूज करते हैं, 50 के लिए एल, 100 के लिए सी, 500 के लिए डी, एंड देन 1000 के लिए हम लोग यूज करते हैं एम का सिंबल. ठीक है, तो ये हमारे 7 सिंबल्स हो गए जिसके थ्रू हम लोग इजीली किसी भी रोमन न्यूमेरल को राइट और रीड कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट अब हमारा, देयर इज नो सिंबल फॉर जीरो एंड नो प्लेस वैल्यू. ठीक है, यहाँ पर हम लोग देखें कि हमें जो जीरो है उसका ना तो कोई सिंबल होता है ना ही उसकी कोई प्लेस वैल्यू होती है. ठीक है, अब हम देखेंगे कुछ बेसिक रूल्स जिनके थ्रू हम लोग रोमन न्यूमेरल्स को रीड और राइट करते हैं. तो हमारा फर्स्ट रूल है, रिपीटिशन ऑफ ए रोमन न्यूमेरल मीन्स एडिशन. ठीक है, हम लोग किसी भी रोमन न्यूमेरल के अंदर अगर किसी सिंबल को एक से ज्यादा बार रिपीट कर रहे हैं, इट मीन्स लाइक 1 time, 2 time, and 3 time. ठीक है, हम लोग किसी भी सिंबल को 3 से ज्यादा बार रिपीट नहीं कर सकते हैं. ठीक है, नो न्यूमेरल कैन बी रिपीटेड मोर देन 3 times. ठीक है, तो हम लोग किसी सिंबल को 3 से ज्यादा बार रिपीट नहीं कर सकते हैं. और अगर वो सिंबल रिपीट हो रहे हैं तो उसका मींस क्या है कि वो सिंबल आपस में क्या होंगे, एड होंगे. ठीक है, यहां पर ओनली 1, 10, 100 and 1000 कैन बी रिपीटेड. ठीक है, ये 4 ऐसे सिंबल्स होते हैं जिनको हम रिपीट कर सकते हैं. ठीक है, और जो बाकी हमारे 3 सिंबल्स होते हैं 5, 50 and 500 नेवर रिपीटेड. ठीक है, ये 3 सिंबल्स कभी भी रिपीट नहीं होते हैं. नेक्स्ट हम देखते हैं सेकेंड हमारा जो रूल है, अ स्मॉलर न्यूमेरल रिटर्न टू द राइट ऑफ अ लार्जर न्यूमेरल इज ऑलवेज एडेड टू अ लार्जर न्यूमेरल. अगर हम किसी भी लार्जर न्यूमेरल के राइट साइड में कोई स्मॉलर रोमन न्यूमेरल लिख रहे हैं, उसका मीन्स होता है कि हमें उस जो स्मॉलर न्यूमेरल है उसको लार्जर न्यूमेरल से क्या करना पड़ेगा, एड करना पड़ता है. ठीक है, जैसे हम एक एग्जाम्पल देख, ठीक है, यहाँ पर हमें एक एग्जाम्पल दिया गया है. फर्स्ट में यहाँ पे हमें एक सिंबल है एक्स एंड एक्स, इट मीन्स डबल एक्स इक्वल टू, एक्स की वैल्यू हमारी क्या होती है 10, तो हमने लिख दिया 10. अब हम यहाँ पर इसको क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं. ठीक है, सेकेंड टाइम जब हमने इसको रिपीट किया तो उसका मीन्स क्या हो गया, हमने उस 10 में एक और 10 क्या कर दिया, एड कर दिया, देन हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 20. तो हमारा ये जो सिंबल होगा डबल एक्स वाला, किसका सिंबल है, ये 20 का सिंबल है. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट रूल द वैल्यू ऑफ डबल एक्स सिंबल इज 20. ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे सेकेंड रूल का एग्जाम्पल. यहां पर हमें एक सिंबल दिया गया है 5, 1. ठीक है, हमारी v की वैल्यू क्या होती है 5, और नेक्स्ट होती है हमारी वन की आई की वैल्यू 1. ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पे लार्जर न्यूमेरल की जस्ट राइट साइड में हमें क्या दिया गया है, स्मॉलर न्यूमेरल. ठीक है, तो यहां पर हमने लार्जर न्यूमेरल की जस्ट आफ्टर हमने लिखा है स्मॉलर न्यूमेरल, इट मींस हमने पहले लार्जर न्यूमेरल की वैल्यू रखी और उसके बाद में हमें एडिशन का साइन लगा के हमें क्या करना है, जो स्मॉलर न्यूमेरल है उसकी वैल्यू पुट करनी है, देन एड करके जो हमारा आंसर आएगा वही हमारा ये जो सिंबल है उसकी वैल्यू है. ओके, अब हम देखते हैं हमारे पास यहाँ पर हमारा थर्ड रूल है. थर्ड रूल हमें क्या बोल रहा है, अ स्मॉलर न्यूमेरल रिटर्न टू द लेफ्ट ऑफ अ लार्जर न्यूमेरल इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लार्जर न्यूमेरल.
अगर हम किसी भी स्मॉलर न्यूमेरल को किसी लार्जर न्यूमेरल से जस्ट पहले, इट मींस लेफ्ट साइड में अगर हम उसको लिख रहे हैं, तो उसका मींस क्या होता है कि हम उसमें से लार्जर न्यूमेरल में से स्मॉलर न्यूमेरल को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। हम एग्जांपल के थ्रू इसको, हमें यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है XL, ठीक है, यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा स्मॉलर न्यूमेरल लार्जर के जस्ट लेफ्ट में है, तो हम सबसे पहले हमारे लार्जर न्यूमेरल की वैल्यू पुट करेंगे, उसके बाद में सब्ट्रैक्ट का साइन लगाते हुए हमें क्या करना है, जो स्मॉलर न्यूमेरल है उसकी वैल्यू पुट करनी है, देन हमारा जो आंसर आएगा वो हमारे सिंबल की क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अब यहां पर हमारे पास में कुछ ऐसे नोट्स हैं, जैसे हम देखते हैं स्टार्टिंग में 550 and 500, ठीक है, VLD, ये तीन ऐसे सिंबल्स होते हैं जो कभी भी किसी भी लार्जर न्यूमेरल से सब्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, वन कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5 and 10 ओनली, ठीक है, हमारा जो वन है वो सिर्फ 5 और 10 से सब्ट्रैक्ट होता है और किसी से नहीं होता है। नेक्स्ट है, 10 कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम L and C, इट मींस 50 and 100, तो हमारा जो 10 है वो सिर्फ L और C, इट मींस 50 और 100 से ही क्या हो सकता है, सब्ट्रैक्टेड, अदरवाइज किसी भी नंबर से क्या नहीं होगा, वो सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। अब हम देखते हैं फोर्थ रूल क्या बोल रहा है, व्हेन ए स्मॉलर न्यूमेरल इज प्लेस्ड बिटवीन टू लार्जर न्यूमेरल्स, ठीक है, अगर हमारा जो स्मॉलर न्यूमेरल है वो दो लार्जर न्यूमेरल्स के जस्ट बीच में है, बिटवीन है, तो हमें क्या करना है, देन इट इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लार्जर न्यूमेरल इमीडिएटली फॉलोइंग इट, तो हमारा जो स्मॉलर न्यूमेरल था, हमारा स्टार्टिंग में जो लार्जर न्यूमेरल है हमने उसकी वैल्यू पुट करनी है, उसके बाद में हमें एडिशन का साइन लगाते हुए जो स्मॉलर न्यूमेरल है जिस भी लार्जर न्यूमेरल से लेफ्ट साइड में है उससे हमें उसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। हम एक एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे हमें एक सिंबल दिया गया है 10, 1, 5, यहाँ पर हमारे पास में दो लार्जर न्यूमेरल्स हैं 10 and 5, ठीक है, तो हमें सबसे पहले तो हमारे फर्स्ट वाले जो लार्जर न्यूमेरल हमारे पास में है उसकी वैल्यू पुट करनी है, उसके बाद में हमें जो हमारा स्मॉलर न्यूमेरल से पहले लार्जर है उसकी वैल्यू पुट करके और जो हमारा स्मॉलर नंबर है उसकी वैल्यू को क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 plus 4 is equals to 14, तो हमारा ये सिंबल किस चीज का हो गया, कौन से नंबर का है, 14 का, ठीक है। थैंक यू सो मच।